किसी ने क्या खूब कहा है, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KB राशिफल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना है और उन्हें आने वाले समय में कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर आपकी भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आज 7 मई दिन शुक्रवार है, संतोषी माँ का दिन है। कमेंट में जय संतोषी माँ अवश्य लिखना। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, दूसरों के सामने इस तरह का व्यवहार करने वाले मनुष्य की हमेशा होती है निंदा। जी हाँ दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियाँ बताई। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज करते लेकिन ये जो आचार्य चाणक्य के वचन है वो जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करते रहेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार दूसरों के दोषों को सभी के सामने गिनाने से संबंधित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सभा में जो दूसरे लोगों के व्यक्तिगत दोष को दिखाता है वो वास्तव में अपने दोष को दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, वो बताते हैं कि असल जिंदगी में अक्सर किसी न किसी व्यक्ति को इस चीज़ का एक्सपीरियंस जरूर होगा। उदाहरण के तौर पर लड़ाई एक ऐसी चीज़ है जो सभी को किसी न किसी चीज़ पर हुई ही होगी। फिर वो लड़ाई चाहे आपके भाई बहनों से हुई हो या फिर दोस्तों से, लड़ाई इंसान तभी करता है जब किसी की कोई चीज़ बुरी लगी हो या फिर आप किसी से खपा हो। दोनों ही सूरतों में गुस्सा आना लाजमी है। अक्सर लोग कहते हैं दोस्तों कि गुस्से में इंसान वही बातें कहता है जो उसके दिल में किसी कोने में छिपी होती है। कई बार तो गुस्से में लोग अपना आपा भी खो देते हैं और सामने वाले को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। इस दौरान कुछ लोग अपने मन की भड़ास भी निकालते हैं। अगर आप जिससे लड़ रहे हैं उसे आप जानते हो तो उसकी कमियों को गिनाने में भी आप कोई कसर नहीं छोड़ते यहाँ, ताकि कि आप उसे अभी से लेकर पुरानी बातों को लेकर गिनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते वक्त जो सुना रहा होता है उसके दिल को काफ़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन ऐसा करके आप दूसरों की निगाह में हमेशा के लिए गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति कई लोगों के सामने आपको सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है वो अच्छा इंसान ही नहीं है। उस वक्त व्यक्ति को लगता है कि हमने सुनाकर सामने वाले की जंग हंसाई निकाल दी है, लेकिन असल में होता है इसके ठीक उल्टा। ऐसा करके आप उस व्यक्ति की असलियत नहीं बल्कि अपने दिल का महल लोगों के सामने रखते हैं। इसी प्रकार से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सभा में जो दूसरे लोगों के व्यक्तिगत दोस्तों को गिनाता है वो वास्तव में अपने दोस्त को गिनाता है। तो दोस्तों ये था आज का चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको चाणक्य नीति ज्ञान आज का पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आज कुंभ राशि वालों का लकी नंबर है 9। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 7 मई दिन शुक्रवार है, तिथि एकादशी है, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, माह बैसाख है। दोस्तों आज सूर्योदय होगा 5:18 पर, सूर्यास्त होगा 6:32 तक। दोस्तों आज का शुभ समय है 11:28 से 12:21 तक। आज का शुभ समय है 7:56 से 8:49 तक। अब बात करते हैं दोस्तों आज की कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आज कुंभ राशि वालों का दिन, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। फोकस का केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या भी करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान स्वयं मिल जाएंगे। आज आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य और तनाव रहित मूड का आनंद लेंगे। इस समय का उपयोग अपनी किसी अच्छी खासी शारीरिक मेहनत वाली गतिविधियों के लिए करें जो आपको अच्छी लगती है। बॉल गेम या मजा ले या जिम में पसीना बहाएं। स्वस्थ शरीर के कारण आप खुश मिजाज रहेंगे, इसलिए दोस्तों के साथ मिल बैठने के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। आज अपने पार्टनर के साथ भी बेहतर समय बिताने का बहुत ही अच्छा अवसर है। आप इसी समय किसी और से भी प्रभावित है लेकिन यह एक क्षणिक आकर्षण है। आपका पार्टनर बहुत अच्छा है और आपको इन्हीं के साथ भी रहना है। अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं, इससे आप शांत रह पाएंगे। आज का दिन कुंभ राशि वालों, व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है, इसलिए अगर कुछ इस समय की आपकी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से शीर्ष प्रबंधकों के समक्ष रख पाने में समर्थ होंगे। यह अपने नियोता में अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है।
कुंभ राशि वालों, आज आप सहयोगियों की बातों से चिंता भी रहेंगे। रुके हुए जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। अफसरों से मिलकर समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। रुके व्यवहार से करीबी नाराज भी होंगे। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। काम के सिलसिले में आपको ज़्यादा ध्यान से काम करने की आवश्यकता भी रहेगी। कुंभ राशि वालों, एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। आजकल एकदम से बहुत सारे काम आपके पीछे आ रहे हैं। आपके विरोधी भी कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि आप फालतू कामों में उलझते जा रहे हैं। आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है तो फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी अवश्य दे। क्रोध पर नियंत्रण रखें। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने से बचे। परिवार में किसी वाद विवाद में ना पड़े, अन्यथा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन दिख रहे हैं। राशि स्वामी शनि धनु राशि का होकर एकादश भाव में बहुव्यय कारक है। आज उदर विकार संबंधी समस्या भी हो सकती है। आज कुंभ राशि वालों का प्रेम का दिन काफ़ी अच्छा है। अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं। तो दोस्तों, आज कुंभ राशि वालों का संपूर्ण दिन प्रेम और धन से भरा रहेगा। तो ये था दोस्तों आज का कुंभ राशिफल। हर रोज के कुंभ राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।